दोस्तों व्यक्ति विशेष में आज हम बात करेंगे गोवा के मनोहर। हम बात कर रहे हैं राजनीति के मिस्टर कलिंस के नाम से प्रसिद्ध। हम बात कर रहे हैं गोवा के पूर्व सीएम की। हम बात कर रहे हैं आखिरी सांस तक काम करते रहे उस व्यक्ति की, किसने राजनीति में एक नई उपलब्धि हासिल की है और समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय। हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्तित्व की, जो किसने पहचान किसकी है, हवाई चप्पल, हाफ शर्ट, स्कूटर चलाना, ये उसकी पहचान है। हम बात कर रहे हैं उस महान व्यक्ति की, किसने एक नई पहचान दी है, एक नई सोच विकसित की है राजनीति में। दोस्तों उसका हम पूरा नाम अगर आपको बताएं, उसका पूरा नाम है मनोहर गोपाल कृष्ण पर्रिकर। जस दोस्तों हम बात कर रहे हैं पूर्व चीफ मिनिस्टर, और चीफ मिनिस्टर का मीन्स यहाँ पर वो कहते थे कॉमन मैन, बिल्कुल कॉमन मैन, एक साधारण व्यक्ति दिखने में। और चार बार गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके मनोहर पर्रिकर के बारे में। सबसे पहले इसका जन्म, दोस्तों इसका जन्म 13 दिसंबर 1955 में हुआ और गोवा के मासुपा गांव है वहां पर हुआ। इसके अगर परिवार की बात करें, इसके परिवार में अगर देखें तो माताजी का जो नाम है राधाबाई, पिता गोपाल कृष्ण, पत्नी उमा सरदेसाई, जिसने आपको बता दें प्रेम विवाह किया था और किसका निधन भी हो चुका 2002 में कैंसर से, और दो पुत्र हैं इसके। और इसकी जो पहचान है हवाई चप्पल, हाफ शर्ट, स्कूटर चलाना, ये इसकी पहचान है जो इसको और नेताओं से अलग करती है और जो पूरे देश में ये लोकप्रिय हैं। गोवा के तो ये चैत्य हैं, गोवा के तो मनोहर हैं, और पसंद फुटबॉल खेलना। आपको और जानकारी दे दूँ, 1978 में इन्होंने IIT बॉम्बे से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया और ऐसा करने के बाद OCM बने। ऐसा भारत के फर्स्ट जो है मुख्यमंत्री हैं, पहले मुख्यमंत्री हैं जो इंजीनियर से ग्रेजुएट हैं और चीफ मिनिस्टर बने। तो ये हैं इसका परिवार के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। इसके अलावा इसका राजनीतिक जीवन की अगर बात करें तो गोवा में भाजपा के संकट मोचक, BJP के प्रथम CM, और गोवा की अगर बात कर रहा हूँ 1994 में जैसे पहले बता चुका हूँ MLA बने थे पंजी से, और चार बार CM ये गोवा के रहे। पहले जो CM रहे वो 2000 में बने, 27 फरवरी 2002 तक, उसके बाद रिजाइन दे दिया था किसी कारणवश, और उसके बाद दोबारा 5 जून 2002 को दोबारा बने और 2005 तक रहे। उसके बाद तीसरी बार 2012 में फिर आए और 2014 तक रहे। उसके बाद सेंटर में जो है गवर्नमेंट जो है सेंटर में मोदी सरकार आई, उन्होंने इसको वहाँ से इसको डिफेंस मिनिस्टर बना दिया, किससे वहाँ पर उन्होंने रिजाइन दिया अपना। लेकिन फिर इसकी फिर इंट्री हुई वहाँ पर 14 मार्च 2017। आपको बताएं दोस्तों 14 मार्च 2017 से लेकर 17 मार्च 2019 तक फिर ये CM गोवा के बने। इसके अलावा एक बार ये रक्षा मंत्री बने भारत के, और UP से ये जो है राज्यसभा सांसद थे, MP थे, और ये रहे 2014 से 2017 तक ये वहाँ पर रहे। और इसी के कार्यकाल में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी भारत की, पहली सर्जिकल स्ट्राइक, इसमें बहुत सारे जो आतंकवादी थे मारे गए थे। और इसका जो है इस पर एक फिल्म भी आ चुकी है दोस्तों, आपको बता दें। और ये सबसे बड़ी बात है, इन्होंने सम्मान और पुरस्कार की अगर बात करें तो 2000 में IIT बॉम्बे द्वारा इनको सम्मानित किया गया। 2012 के अगर बात करें CNN IBN पुरस्कार से सम्मानित है। ये जो अवार्ड है राजनीति की श्रेणी में सबसे अच्छे जो छवि वाले नेता, इज्जत वाले, ईमानदार हैं उनको नेता को दिया जाता है। 2012 में जो पुरस्कार दिया था CNN IBN। और दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें ये बीमार हुए फरवरी 2018 से, ये कैंसर से, जानलेवा जो बीमारी है कैंसर, उससे पीड़ित थे। और आपको बता दें इन्होंने दो बार अमेरिका की भी यात्रा की अपने इलाज के लिए, लेकिन ये ठीक नहीं हो पाए। इस महान व्यक्तित्व का 18 मार्च 2029 को ये हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उससे पहले इन्होंने आपको बता दें ये 31
जनवरी 2019 को गोवा बजट पेश किया। नाक में ट्यूब, पैरों में बैंडेज और यूरिन बैग के साथ आखिरी सांस तक काम करते रहे और गोवा बजट पेश करते समय इसके नाक में ट्यूब लगी हुई थी और एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने लगातार काम किया। और आपको और बता दें, 28 जनवरी 2019 को नाक में पाइप लगाकर पुल का उद्घाटन करने पहुंच गए। जो पुल बनाया पंजी के मांडवी नदी पर बने लगभग 5 किलोमीटर लंबे पुल का इन्होंने उद्घाटन किया और उस पुल को जो केबल पुल अटल सेतु के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, 18 मार्च 2019 को गवर्नमेंट सरकार, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पूरे देश में राष्ट्रीय शोक इसके जन्मदिन पर मनाया और गोवा में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया गोवा में। और आज जो है 18 मार्च है, इसमें गोवा में जो सरकारी जो ऑफिस है बंद कर दिए गए, छुट्टी कर दी गई। इसके अलावा इसके पूरा जो सम्मान दिया गया, राजकीय सम्मान के साथ इसको आज विदा किया गया, आज इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया शाम को, और आधा झंडा जो हमारा तिरंगा जो क्या रहेगा इसकी याद। दोस्तों ऐसे महान व्यक्ति तो जो एक नई पहचान थी, एक राजनीति में एक नई उम्मीद लेकर आए, एक नई पहचान उन्होंने स्थापित की। और मेरा ये मानना कि और नेताओं को भी इससे बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। इसका एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों आपको। एक बार ये स्कूटर पर जा रहे थे, तो जब ये जा रहे थे तो पीछे से एक बाइक वाला आया और इससे किसी कारण से टकरा गया आपस में, तो ये गिर गया। गिरने के बाद जो बाइक वाला था वो भी थोड़ा गिरा, गिरने के बाद उसने हेलमेट निकाला। हेलमेट निकालने के बाद इसको ये खड़े हुए और इसको बोले, पता है मैं कौन हूँ, मैं एसपी का बेटा हूँ, ध्यान से चलाइए। तो इसका सादा सा जवाब था कि मुझे माफ़ करना अगर मेरी गलती है, और अपने पिता को बोल देना कि मैं भी एक साधारण जो है गोवा का सीएम। ऐसे महान व्यक्तित्व की बात जो है की जाए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, सादगी उसमें, ईमानदारी और साफ छवि के चुने।